बाईस बारह सड़सठ ईश्वरीय सेवा से बहुतों का कल्याण करना है। कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है, तो गर्मी सर्दी आदि को भी नहीं देखते, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि गर्मी है कि सर्दी है कि बरसात है, सेवा में लगे रहते हैं। बाप को तो बंदर लगता है कि कल पहले माफिक बच्चों को कितना सहज ज्ञान मिल रहा है, सहज भासता है तो सेवा में लगे रहते हैं। ये जो विराट रूप का चित्र है कि हम ब्राह्मण हैं, विराट रूप के चित्र में हम ब्राह्मण कहाँ पर हैं? चोटी में हम ब्राह्मण हैं, मस्तक में तो फिर हम देवता बनते हैं। ये भी सिद्ध करके बताना होता है कि कैसे हम चोटी के ब्राह्मण हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, ब्राह्मण ऊंचे या चोटी ऊंची? चोटी ऊंची होती है, कैसे? ब्राह्मण चोटी बांधते हैं तो उसमें जो फंदा बनाते हैं, गांठ लगाते हैं, उसमें शिव बन जाता है निराकार। मस्तक में जो देवताएं दिखाए गए हैं वहां शिव होता है क्या? वहां शिव परमात्मा का मेल आत्मा के साथ नहीं होता। और जो चोटी में ब्राह्मण दिखाए गए हैं वहां शिव परमात्मा होता है, और उनकी से उनकी स्टेज है चरती कला की, ब्राह्मणों की। मस्तक में आएंगे तो चरती कला कहेंगे या उतरती कला कहेंगे? उतरती कला हो जाएगी देवताओं की। तो ये सिद्ध करके बतलाना होता है कि ब्राह्मण पहले हैं और उनकी स्टेज में हैं और बाद में देवताएं होते हैं। तो ब्राह्मण हैं उनके और देवताएं हैं नीचे। देवताओं को कुछ भी ज्ञान नहीं होता और ब्राह्मणों को सृष्टि के आत्मज्ञान का और ईश्वर का भी ज्ञान होता है। सिद्ध करके बताना है कि ब्राह्मण तो पुरुषोत्तम संघ में ऊपर ही होते, और कोई युग को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। क्यों? ज्ञान नहीं रहता। एक तो वहां ज्ञान नहीं रहता, चलो इससे पुरुषोत्तम का कोई बात नहीं, पुरुषों में उत्तम सूर्य कला संपूर्ण देवताओं को कहें
क्योंकि सत्युगमय देवताएं 16 कला संपूर्ण तो होते ही हैं, लेकिन उनको पुरुषोत्तम कहेंगे क्या? सत्युगमय जो देवताएं होंगे वो जो भी शरीर रूपी पूरी में विश्राम करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जो सत्युग का नारायण है वो पुरुषोत्तम कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उनकी उतरती कला होगी और उनसे भी पहले उनको जो जन्म देने वाले हैं वो लगातार चलती कला के, और जो भी पुरुष मात्र हैं, पुरुष माने आत्मा, उन आत्माओं में उत्तम से उत्तम वो आत्माएं हैं जो ब्राह्मण ज्योति में दिखाई गई, तो सिद्ध करके बताना है कि ब्राह्मण तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, देवताएं सत्युग त्रेता में होते हैं और ब्राह्मण सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बना, माना ही ब्राह्मण कुल का बना, सिर्फ परिवर्तन क्या होना है? शूद्र न रहे, विविचारी न रहे, क्या बुद्धि कैसी रहे? एक में रमण करने वाली रहे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो शूद्र से ब्राह्मण बना, माना ही ब्राह्मण कुल का बना, ब्रह्मा की औलाद बना, ब्रह्मा का फॉलोअर बना, ईश्वर के बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, क्योंकि ब्रह्मा ईश्वर पर्सनालिटी तो एक ही हुई, जो ब्रह्मा है उसी में ईश्वर सेवक नहीं करते हैं, तो उनसे जो पैदाइश होती है उनको साकार में कहा जाता है ब्राह्मण और ब्राह्मणी। ईश्वर के बच्चों को देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ईश्वर के बच्चों को देवता नहीं कहेंगे, जो नर से नारायण बनने वाला है वो नारायण स्वयं देवता है या ईश्वर है? नारायण की कथा होती है घर घर में, वो नारायण सत्युग का देवता है या संगम युग का देवता है? कथाएं जो भी हैं, जो भी कहानियां हैं शास्त्रों में, वो किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ईश्वर के जो बच्चे होते हैं वो देवता नहीं कहे जाते, वो फिर क्या है? वो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। तुम बच्चे भी हो, तुम पोते भी हो, ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, देवता कुल कोई सर्वोत्तम कुल नहीं है। ये भी समझाना पड़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम अभी देवताई कुल के नहीं बने हैं, क्योंकि देवताएं होते हैं सब पवित्र, पवित्र दुनिया में सब कैसे होंगे? सब पवित्र होंगे, और अपवित्र दुनिया में सब अपवित्र होते हैं, और हम हैं संगम के, न हम अपवित्र दुनिया के हैं और न पवित्र दुनिया के। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ठहरा, प्रजापिता ब्रह्मा साकार में वो है, साकार मनुष्य शक्ति का पिता, तो क्या उसका पिता कोई नहीं? साकार में उसका पिता जरूर कोई नहीं है, लेकिन
उसको भी ज्ञान देने वाला पिता है, जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, वो है आत्माओं का बाप। तो दो भेद की बातें हैं, एक है आत्माओं का बाप शिव और दूसरा मनुष्य शक्ति का साकार बाप। उससे पहले कोई साकार बाप मनुष्य शक्ति का है नहीं। जो ही ब्रह्मा बनते हैं वो ही विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा कब बनता है? जिस तन में भी शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाप प्रवेश करते हैं, उसका नाम ब्रह्मा रखना। और ब्रह्मा भी एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है और प्रजाति का ब्रह्मा सिर्फ एक का नाम है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है वो है प्रजापिता, उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु देवता कहा जाता है। क्या विष्णु देवता के भी नंबर होते हैं? है? ब्रह्मा तो अनेक होते हैं और विष्णु तो एक ही होता है, एक विष्णु, तो उसमें नंबर कैसे होंगे? नहीं होंगे। विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती है, भुजाएं तो सहयोगी मददगार की निशानी है। तो चार भुजाएं एक जैसी सहयोगी बनती है या नंबरवार सहयोगी है? नंबरवार सहयोगी है। कोई राइटियस के रूप में सहयोगी है, कोई जस्टिस के रूप में सहयोगी है, कोई ऊंची कोटि की ऊपर वाली भुजाएं हैं, कोई नीची कोटि की नीचे वाली भुजाएं हैं, कोई है जो भुजा तो नहीं है लेकिन उनके लिए दिखाया है क्या कि भुजाओं को चलाने वाला है, उसे ईश्वर भी नहीं कह सकते। चलाने वाले के बगैर, चलाने वाले के बगैर भुजाएं चलेंगी कैसे? चलेंगी क्या? चलाने वाले के बगैर भुजाएं नहीं चल सकती। भुजाएं तब चलेंगी जब कोई चलाने वाला होगा। हाँ, सहयोगी है, जैसे रावण को सिर दिखाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं और विष्णु को एक सिर दिखाया जाता है, बाकी भुजाएं दिखाई जाती हैं। तो जो भुजाएं हैं वो सहयोगी हैं, लेकिन भुजाएं एक दूसरे को चलाने वाली नहीं है। तो जो चलाने वाला है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा माना मूल आत्मा मनुष्य शक्ति की, और बाकी वो भी भुजाएं। तो जो ब्रह्मा सोई विष्णु बनते हैं, बाकी शंकर का तो पार्ट है नहीं। सबसे बड़ा पार्ट किसका है? है सबसे बड़ा पार्ट है शिव का। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। क्योंकि शिव पतित तन में आता है। शंकर को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? शंकर तो सूक्ष्म बतनवासी देवता है, उसको तो फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ताओं में सबसे बड़ा फरिश्ता मुसलमानों ने उसको कहा गया जबराइल, और जबरदस्त है। वो फरिश्ता है परंतु पति तो मनुष्य नहीं है और प्रजापिता
जब तक शक्ति पर प्रजापति रूप में है तब तक प्रजापिता भी पति। प्रजापिता पहले पावन बन जाए और प्रजा को छोड़ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो बोला शंकर का तो पार्टी नहीं है, फिर पार्टी किसका हुआ? पार्ट है शिव का, पार्ट है ब्रह्मा का, पार्ट है प्रजापिता का। पार्ट कैसे बजाया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। और शंकर को सदैव याद में दिखाते हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में दिखाते हैं। तो ये कोई कर्मेंद्रियों का पार्ट नहीं है। देवताएं तो हिंसक नहीं होते, हिंसक होते हैं क्या? देवताएं तो हिंसक नहीं होते हैं। तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं तुमको समझाने की, नोट नहीं करने से वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। जब पॉइंट्स भूल जाते हैं तो भूले हुए पॉइंट्स का जो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं उनके साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पाते और आप बदल जाते हैं। पॉइंट्स सदैव बुद्धि में डायरी में नोट करके रखना चाहिए याद करने के लिए। बात को सदृश का पुनः रहता है कि जाकर के पतितों को पावन बनाऊं। कौन से बाप को? वेद के बाप तो दो हो गए, एक तो मनुष्य शक्ति का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। कोरोना किसको रहता है? इनमें पतित कौन है और पावन कौन है? क्या पिता है पतित और शिव बाप है एवर प्योर। पतित सर्विस कर सकता है या पावन सर्विस कर सकता है? कोई भी आत्मा खुद ही पतित है तो जो जैसा होगा वैसा ही बना लेगा या अपने से अच्छा बना देगा? जैसा होगा वैसा बना लेगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बना लेगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बना लेगा, वकील होगा तो वकील बना लेगा। तो प्रजापिता ही पतित है तो सारी दुनिया पतित। प्रजापिता में शिव परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन सी हुई? जो बाप सुप्रीम सोल सर्वश्रेष्ठ हुई, उनको सर्विस का सदैव पुरना रहता है कि पतितों को जाकर के पावन बनाऊं। तो प्रजापिता पावन बनाने वाला है या और कोई मनुष्य पावन बनाने वाले हैं या शिव की सोल पावन बनाने वाली है? शिव की सोल पावन बनाने वाली है और कोई मनुष्य मात्र की आत्मा पावन बनाने वाली है नहीं? इनको तो फिर अपनी राजधानी बनाता है, इसी तरफ इशारा किया। जिसके तन में प्रवेश होकर ये वाणी चलाई है इनको तो फिर अपनी राजधानी का नशा है। इनको क्यों कहा, इसको क्यों नहीं कहा? इसको कहना चाहिए, इनको क्यों कहा? हाँ, दोनों ही आत्मे, भले इनमें अभी राम वाली आत्मा में प्रवेश नहीं है लेकिन आज में प्रवेश तो किया था, तो इशारा उनकी तरफ भी है। और इस तल में प्रवेश करके पार्ट वर्तमान में संसद में बजाए रहे हैं उनकी तरफ इशारा किया, इसलिए बोला इनको माने राम और कृष्ण दोनों आत्मा। इनको तो फिर भी अपनी राजधानी का नशा है,
लेकिन मुझे तो मुझे ये कोई नशा नहीं है कि मैं जाकर के राजधानी बनाऊंगा। इनको नशा है कि अभी हम सांवरे से गोरा बनूंगा। फिर नई दुनिया में जो राजधानी बनेगी उसमें राजी करूंगा। परंतु इससे पहले बिना सामने खड़ा है, इनको नशा तो है लेकिन बिना सामने खड़ा हुआ है। खुशी तो तुम बच्चों को भी रहना चाहिए, इनको भी रहनी चाहिए। फिर बिना सामने खड़ा है तो है? बिना सामने खड़ा है तो बिना क्या करेगा? बिना कल्याणकारी है। विनाश जो सामने खड़ा है वो हमारे पद का विनाश नहीं करेगा नंबर वन है, कि हमारी एक जैसी अवस्था बनी रहेगी। थोड़ा बहुत करेगा। विनाश सामने खड़ा है इसी तो तुम बच्चों को भी रहनी चाहिए, परंतु इनको जास्ती खुशी रहती है। कैसे भी हो कि हम तो आए ही हैं नरसिंहनारायण बनने, तो बच्चे कहते भी हो तो कहने में और पढ़ने में फर्क होता है कि नहीं? कहते हो फिर नंबर वार नरसिंहनारायण बनते हो और नंबर वार नारी से लक्ष्मी बनते हो। खेल होते हैं नरसिंहनारायण बनने तो आए, पढ़ाई तो पढ़ते हैं, परंतु फेल होते हैं तो जाकर के प्रजा बनते हैं। बस टोटल फेल हो गए, फेल होने वाले होंगे तो नंबर वार होते हैं, कोई तो पास मार्क्स ले लेते हैं, पास हो गए तो कम से कम राजघराने में तो आ रहे हैं, माला में नंबर तो आ जाएगा, प्रिंसेस तो बन जाएंगे। चलो आगे के पहले पहले जन्मों में प्रिंसेस नहीं बनेंगे, आखिरी जन्मों में तो प्रिंसेस बनेंगे, लेकिन कोई फेल हो जाते हैं तो जाकर के प्रजा बन पाते न पहले जन्म में और न आखिरी जन्म में राज पद पाते। आखिरी जन्म में भी राजपद नहीं पाते, आज में भी प्रजा और अंत में भी प्रजा, और प्रजा में भी फिर नंबर वार। वो फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजा को बहुत मदद करते हैं, तो उनका स्थान कहाँ होता है? राजधानी। जब सभा जुड़ती है तो जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो नजदीक होते हैं, है? सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास प्रजा भी होती है, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, चंडाल आदि बल पड़ते हैं, तो फेल होने वाले सब प्रजा बल में जाते हैं, ऊंच पद नहीं पाते। ये तो रूहानी गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है तो इसमें पद भी डिक्लेयर होते हैं, तुमको रूह पढ़ाती है, पढ़ने वाले भी तुम रूहानी बच्चे हो। जो देवान की स्टेज में बैठने वाले होंगे वो इस पढ़ाई को पढ़ नहीं सकेंगे, मान लो बेसिक नॉलेज में है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं आत्मा को कैसे याद करें, हम आत्मा कैसे बने? बाप ज्योति बिंदु शिव को कैसे याद करें? लेकिन तुम्हें कोई समस्या नहीं है कि बिंदी बाप को कैसे याद करें, तो तुमको समस्या क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि बाप ने जो बात पढ़ाई माँ के रूप में
कि आत्मा रूपी सुई की तारीकत उतरने पर तुम डायरेक्ट वापसी हो। आत्मा रूपी सुई की तारीकत कैसे उतरती है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, देह नहीं समझेंगे। सामने आने वालों को भी ज्योति बिंदु समझेंगे, देह नहीं समझेंगे। तो प्रैक्टिस करते करते आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस पक्की हो जाए। तो जिन्होंने ये प्रैक्टिस पक्की की बेसिक नॉलेज में, उनकी आत्मा रूपी सुई की कट देह अभिमान की उतरी, और जिनकी जिनकी कट उतरती गई वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा बने। देह का स्थूल देह वहां टूट गया बेसिकली। तो रिजल्ट क्या आया? सूक्ष्म बुद्धि मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म रूप में पाइप बजाने वाले बाप को पहचान लेती। सबसे सूक्ष्म कौन है? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, वो तो 7 नंबर बार देह वाहन में रहने वाली है। लेकिन सबसे जास्ती जास्ती से जास्ती सूक्ष्म कौन सी आत्मा? शिव बाप। तो शिव बाप को बाप को पहचानना ये सूक्ष्म आत्माओं का ही काम है। जो रूहानी स्टेज धारण नहीं करते, अपन को आत्मा नहीं समझते, वो रूहानी बाप को जो इस सृष्टि पर अप्रत्यक्ष होने वाला है उसको पहचान नहीं सकेंगे। तो तुम जानते हो फिर कि तुमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप कौन है? रू ही तो पढ़ाती है, दूसरा तो कोई पढ़ाई नहीं सकता है। ये पढ़ाई रूहानी पढ़ाई रूहों का बाप जो स्वयं रूह है वो ही पढ़ाता है, दूसरा कोई पढ़ाता नहीं। बादशाही मिलती है तो कम बात है क्या? बादशाही किससे मिलती है? और जितने भी देहधारी पढ़ाने वाले हुए मनुष्य गुरु दुनिया में, हिस्ट्री में देख लो और चाहे शास्त्रों में देख लो, जितने भी पढ़ाने वाले गुरु हुए हैं वो गुरु किसी ने राजा ही दी है, विश्व की बादशाही दी है नहीं दी है। तुमको पता है कि रूहानी बाप ही आकर के तुम बच्चों को नंबरवार विश्व की बादशाही देते हैं। क्या पढ़ाकर? ये सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ाकर। परंतु पावन तो बनते नहीं है। ये बुद्धि में है कि हमको बादशाही मिलती है, हम राजयोग सीखते हैं, परंतु पावन नहीं बनते। यहाँ पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो याद अच्छी आएगी। इन दिनों अपवित्रता का कोई कर्म हो जाता है, इन दिनों अच्छी याद आती है? नहीं आती। तो पवित्रता जो है वो योग को बढ़ाती है, और बाप की याद पवित्रता को बढ़ाती है। इंद्रियों में पवित्रता समाती जाती है जैसे जैसे हम बाप को याद करते जाते हैं। तो दोनों ही अर्थ परत है। तो बताया बादशाही मिलती है इस राजयोग से, बाप की पढ़ाई से, ये तो बुद्धि में है, परंतु पावन बनते नहीं है। तो स्थाई नशा चढ़ेगा? स्थाई नशा तो चढ़ न सके, क्योंकि माया को ऑर्डर दिया हुआ है। माया बेटी को बाप ने आर्डर दिया हुआ, क्या आर्डर दिया हुआ है? ये माया बेटी जो त्रिवत पर नहीं चलते हैं उनको तो खूब फटकाओ। मुख्य त्रिवत क्या है ब्राह्मणों के लिए? मुख्य त्रिवत क्या है?
जिसमें सारी श्रीमत कमाई हुई है, क्या है, पवित्र रहो, मनसा से पवित्र रहो, वाचा से पवित्र रहो और कर्मेंद्रियों से भी पवित्र रहो। तो पाप तो बनते ही नहीं है, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर क्या कर सकते। बाप तो तदबीर बताते हैं, इसलिए सेवा करो, इसलिए सेवा करने के लिए हिम्मत करो। तुम हिम्मत करेंगे, भले अपवित्र हो, पतित हो, पतित तन है, पतित मन है, पतित इंद्रियां है, फिर भी हिम्मत करोगे तो बाप तुम्हारी मदद करेगा। तो बाप तो एवर प्योर है, एवर प्योर बाप। तुम कितने भी पतित हो फिर भी अगर तुम ईश्वरीय सेवा के लिए हिम्मत करोगे, तन प्रस्तुत करोगे, वाचा को कोई के सामने प्रस्तुत कर दोगे तो बाप तुमने प्रवेश करके सेवा कराएगा। बाप खुद ही कहते कि काम शिक्षा पर नहीं चढ़ो, ये काम चिता है, चिता में कोई चढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बस हो जाता है। कौन सा मिसाल है, कौन सा मिसाल है बस होने का, भस्मा सुर का, भस्मा सुर ने क्या गलती की है, हाँ, जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर बुद्धि रूपी हाथ रख दिया। बुद्धि रूपी हाथ रखना माने उसको शिक्षा देना। गुरु चेले को शिक्षा देता है या चेला गुरु को शिक्षा देता है, गुरु चेले को शिक्षा देता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु जो कहे तो करना चाहिए, गुरु जो करे तो नहीं करना चाहिए। गुरु क्या करता है हमें क्या मतलब, क्या करता है, हम तो जैसे चलाएंगे वैसे चलने वाले हैं। तो गुरु की निंदा करने लग पड़ते हैं, गुरु को ही पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ते हैं। ऐसे सदगुरु के निंदक जो है उनको माया फिर खूब भटकाती है, अपवित्र हो पड़ते हैं, काम इच्छा पर जल मरते हैं। बचाने वाला आया है तो कब बचाएगा, उसकी बात मानेंगे तो बचाएगा या नाफरमानी करेंगे, अवज्ञा करेंगे, बेवफाई करेंगे तो बचाएगा, तब बचाएगा। कहना मानेंगे, आज्ञा मानेंगे, फरमान पर चलेंगे तो बाप भी खुश होंगे। वो तो आए ही हैं बचाने के लिए, वो तो जानते हैं ये सारी दुनिया पतित है, तो उनकी मत पर चलो ना, मत मानो बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि तो बुद्धि सुन बात ही है ना, वो तो ऐसे चलाना चाहते हैं वैसे चलो, नहीं तो पूरा ही आग में जल मरेंगे। कौन सी आग, काम विकार की आग में पूरा ही जन्म रहेंगे, भस्म हो जाएंगे। तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। ज्ञान माना क्या, जानकारी, क्या जानकारी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। वरदान तो दिया लेकिन जानकारी बुद्धि में कौन सी नहीं बैठी है,
ये जानकारी बुद्धि में नहीं बैठी कि मैं आत्मा कौन और मेरा बाप कौन। बाप बताते भी हैं, अक्सर बुद्धियों में आता है कि नहीं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो समझ जाना चाहिए ना। नहीं समझते बाबा जी, नहीं समझते। अरे बाप ज्यादा पावरफुल होगा या बच्चा ज्यादा पावरफुल होगा? बाप की क्या चीज पावरफुल होगा? तो बचाने वाला आया ही है तो उनकी मत पर चलो, नहीं तो पूरी आग लग जाएगी। तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि में बाप का ज्ञान बैठ नहीं, बाप की पहचान बैठती नहीं, फेल होते हैं। तो चंद्रवंशी नाला कब आ जाते हैं? चंद्रवंशी आज में आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं, या जब फाइनल पेपर होता है तब आ जाते हैं? जब फाइनल पेपर होंगे तो फेल हो जाते हैं। बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई है सहजराजियों की, वो पढ़ाई सहज नहीं लगती है। कैसी लगती है? कठिन लगती है। मोहब्बत पैदा होती ही नहीं, मेहनत पूर्वक समझते हैं कि याद करनी पड़ती है। मोहब्बत कब पैदा होती है? कोई की पहचान होती है तो उसे मोहब्बत होती है, पहचान ही नहीं है तो मोहब्बत हो नहीं सकती। फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में आ जाते हैं। अरे बाप तो ज्ञान सूर्य है और वो इसमें आ जाते हैं, चंद्रवंशी में आ जाते हैं। ये चंद्रवंशी क्या होता है? बाप के डायरेक्ट बच्चे ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी नहीं बन पाते, क्या बन जाते हैं? चंद्रवंशी बन जाते हैं। ये चंद्रवंशी कहां से आ गया? अरे सूर्य डायरेक्ट रोशनी देने वाला है खुद, और सूर्य को कोई रोशनी देने वाला नहीं है। और चंद्रमा, चंद्रमा पहले सूर्य से लेता है फिर देता है, तो जो खुद लेने वाला है वो दूसरों को क्या देगा? संपूर्ण देगा या अपूर्ण देगा? अधूरा ही। तो चंद्रमा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? चंद्रमा सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं है, ब्रह्मा कहने मात्र से ही ज्यादा देख रहा समझ लेते हैं। बाप ने कहा मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो कितने ब्रह्मा हो गए? ब्रह्मा को ढेर हो गए। शास्त्र में पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, कितने मुख है ब्रह्मा के? पांच मुख भी है, चार मुख भी है। तो ब्रह्मा जिसको कहा जाता है वो ज्ञान देने वाला है, या उसमें जो प्रवेश है वो ज्ञान देने वाला है? जो प्रवेश है उसको भूल जाते हैं। जब उसको भूल जाते हैं, मान लो कृष्ण के आखिरी चोले में प्रवेश किया और सुनने वालों को कृष्ण का आखिरी जन्म का चोला याद रहता है, और जो ज्ञान सुनाने वाला है वो याद नहीं रहता है, तो वो गीता का भगवान किसको समझेंगे? कृष्ण को ही गीता का भगवान समझेंगे ना, तो ये भूल कहां से हुई? आपने उससे भूल हुई या कहीं और हुई? संगम पर ही ये भूल होती है।
कि कृष्ण के आखिरी चोले में परमात्मा शिव आकर के जो मुरली सुनाते हैं, तो उस आखिरी चोलेधारी आत्मा को ही गीता का भगवान समझ लेते। तो फिर चंद्रमा को गुरु बनाया या सूर्य को गुरु बनाया? चंद्रमा को गुरु बना लिया। ऐसे ही चंद्रमा की गोद में पलने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, नंबर वार ब्राह्मण कहे जाते हैं, क्योंकि तो ब्राह्मणों की भी नीची ऊंची कुरियां होती हैं। तो जो नीची कुरी के ब्राह्मण है वो ब्रह्मा को ही सब कुछ समझ लेते हैं, गीता का भगवान समझ लेते हैं। आज सारी दुनिया गीता का भगवान किसको समझे बैठी? कृष्ण की आत्मा को ही गीता का भगवान समझे बैठी। वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा के थ्रू भगवान भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है। कृष्ण वाली आत्मा ने स्वयं ही बाप के असली साकार रूप को नहीं पहचान। अगर ब्रह्मा नहीं पहचान लिया होता तो उनकी रहबरी में पलने वाले जितने भी पले, 36 से लेकर के और 68 तक, वो सब उन सुप्रीम सोल को जान जाते हैं और रूहानी स्टेज में टिक जाते। विद्रूपी स्टेज में अपन को आत्मा समझते, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते, और ज्योति बिंदु बाप सनातन के बाद जो भी मनुष्य तन में मुकर रूप से कपाट बजाता है उसको भी पहचानते। परंतु नहीं, वो चंद्रमा में अटकने वाले जो चंद्रमा में ही अटक गए, चंद्रमा तो बहुत नजदीक है पृथ्वी वासियों के, सबसे जास्ती ग्रह उपग्रह जितने भी हैं उनमें सबसे जास्ती नजदीक कौन सा है? चंद्रमा ही सबसे नजदीक। तो चंद्रमा में अटक गए, दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह तो बहुत दूर है, उनमें भी अटक जाते। कोई ब्रह्मा में अटक गए, कोई शुक्र में अटक गए, कोई शनिदेव में अटक गए, कोई मंगल में अटक गए। जो सारी मनुष्य शक्ति का पति है, सारी मनुष्य शक्ति का आदि में पिता है, उसको नहीं पहचान पाया कि उसमें कैसे पुनराकार से वो प्रवेश करके सारी मनुष्य शक्ति का आदि पर्यंत का ज्ञान देता है। जो भी ब्रह्मा के मुख से मुरलियां चलाई हैं, उन मुरलियों की भी गहराई तक पहचान टीचर के रूप में वो बाप ही आकर के देता है। वो बाप खुद कहते हैं कि बच्चे सूर्यवंशी नहीं बनते, सूर्यवंशी बच्चे नहीं बनते, बाप को नहीं पहचानते, चंद्रवंशी बन जाते। तो कोख किसकी होती है और मुख किसका होता है? ज्ञान सूर्य मुख में प्रवेश करता है या गोद में प्रवेश करता है? मुख में प्रवेश करता है। मुख की निकली हुई वाणी के तथ्य को, रहस्य को जिन्होंने पहचान लिया वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। और मुख से निकली हुई वाणी के ऊपर जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, न दे रहे हैं, लेकिन गोद में पले हुए ब्राह्मणों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ब्रह्मा की गोद में पले हुए जो ब्राह्मण हैं, जिन्होंने गोद का प्यार लिया है, उन ब्राह्मणों को मान दे रहे हैं। बाप की वाणी से जैसे उनका कुछ लेना देना नहीं, तो मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो वो मुखवंशावली और वो है मुखवंशावली, वो फेल हो जाते हैं।
क्यों एक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाप सूर्य को नहीं पहचाना, ज्ञान सूर्य को नहीं पहचाना, ज्ञान सागर बाप को नहीं पहचाना। इसको पहचाना? ज्ञान चंद्रमा को पहचाना। सूर्य को पहचाने तो बुद्धि में आवे, ज्ञान सूर्य के रूप में जो पार्ट बजाने वाला है वो कभी ज्ञानहीन नहीं होता। अज्ञानी बन करके अनित्य बुद्धि नहीं बनता। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब अनित्य बुद्धि बनते, कभी नित्य बुद्धि कभी अनित्य बुद्धि। नित्य बुद्धि माना जन्म जी रहे, अनित्य बुद्धि माना मृत्यु मरने। नित्य बुद्धि किसके ऊपर? बाप आया हुआ है, बाप इस शक्ति पर साकार में मौजूद है। ये जिसकी बुद्धि में बैठा रहे वो है बाप का बच्चा, और जिसकी बुद्धि में ये उड़ जाए क्या कि बाप नहीं है, या होगा तो कहीं और कहीं होगा लेकिन हमें पता नहीं, तो उनको कहेंगे अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त होगी। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, उनका पद भी विनाश को पाता है। खेल होते हैं तो चंद्रवंशी में आ जाते हैं, और चंद्रवंशी थोड़े हैं या ज्यादा है? फेल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पद बहुत ऊंचा है। दुनिया में भी कोई ऊंची गलती होती है, ऊंचा पद होता है, तो राजा महाराजा बनने वाले ज्यादा होते हैं या प्रजा बनने वाले ज्यादा होते हैं? दुष्ट कर्म करने वाले ज्यादा होते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने वाले थोड़े होते हैं। तो यहाँ भी ये पढ़ाई है, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला और ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तो पढ़ाई को ऊंच से ऊंच पढ़ाई को सब नहीं पूरा पढ़ पाते, पढ़ने वाले भी नंबर बार हैं। क्योंकि राम के राज्य में आते हैं ना, क्या कृष्ण चंद्र के राज्य में नहीं आते? किस राज्य में आते हैं? राम के राज्य में आते हैं ना। कृष्ण कौन सा वंश में गाया जाता है? कृष्ण गाया कहाँ जाता है? शास्त्रों में कहीं गाया जाता है कृष्ण सूर्यवंशी? कृष्ण यदुवंशी कहा जाता है। यादव है, यादव बड़े या ब्राह्मण बड़े? यादव बड़े नहीं, उनको तो बड़ा नहीं कहा जाता, ब्राह्मण बड़े। तो राम के राज्य में भी आते हैं परंतु प्रजा पद पाते हैं। सत्युग में जो राज्य स्थापन होगा उसका नाम क्या होगा? है राम राज्य। राम के राज्य में तो आ जाएंगे लेकिन प्रजा पद में आएंगे। कम पास तो राम के राज्य में भी पिछाड़ी में जाकर के राजा बने तो उसका क्या फायदा है? सच्चा सच्चा सुख तो नहीं देख सकते हैं ना। सच्चा सच्चा सुख कहाँ होगा? है तो सारा ही राम राज्य, सत्युग में भी राम राज्य और त्रेता में भी राम राज्य। क्योंकि राम वाली आत्मा के थ्रू, राम वाली आत्मा के अंतिम जन्म के चोले के थ्रू शिव बाप आकर के ये राजाई देवताओं की स्थापन करते हैं। परंतु कोई आदि में उच्च पद पाते हैं और कोई अंत में पाते हैं, कोई तो पाते ही नहीं। आज में भी प्रजा वर्ग में रहे और अंत में भी प्रजा वर्ग में रहते,
योग का जौहर जैसे धरता ही नहीं है। माना योग माना क्या? लगन, लगाव, प्रीति, बाप से प्यार जैसे जुटता ही नहीं। आदि से लेकर के और अंत तक जिससे प्रीति होती है उसकी कोई महिमा करता है या निंदा करता है? महिमा करता है। तो प्यार नहीं जुटा हुआ है, दुनिया के बहाव में आ जाते हैं, दुनिया निंदा करती है तो वो भी निंदक बन जाते हैं। तो निंदा करने वाले जो है वो प्रजापद में जाएंगे या उच्च पद पा देंगे? प्रजापद पा देंगे। याद का जौहर ही नहीं भरता। याद का जौहर कब भरे? जब लगाओ, लगन हो। लगन माने लगाओ, क्या स्नेह, योग माना जोड़, बुद्धि जुड़ी रहे किसके साथ? बाप के साथ बुद्धि जुड़ी रहे, बुद्धि का योग बना रहे, तो जौहर भरता ही नहीं। अब जब जौहर नहीं भरता तो आत्मा को नहीं कहेंगे। मैं आत्मा कौन, कौन सा पार्ट बजाने वाला हूँ? एक संस्कृति रघुमंच पर ऊंच पार्ट बजाने वालों में से हूँ या नीच पार्ट बजाने वालों में से हूँ? विश्वास नहीं बैठता तो चेहरा लगता हुआ है। बाप कहते हैं मेरी याद में रहने वाले का चेहरा खिला हुआ है। याद में रहना ये अपने में खुद ही सेवा है, कोई सेवा न करता हूँ। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब सामने आ रहा है ना। तिरसठ जन्मों में कभी अच्छे कर्म किए हैं और कभी खराब कर्म किए हैं। रील घूम रही है, शूटिंग चल रही है, तो शूटिंग पीरियड में जब खराब कर्म उदय होते हैं, रील पर आ जाते हैं, तो अवस्था अच्छी बनेगी? अवस्था तो खराब बनेगी। समय तो बैठा नहीं, अच्छी रील घूमती है अच्छे कर्मों की, तो न चाहते हुए अवस्था बढ़िया बन जाती है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, मूल बात ये है। क्या सब बातों का मूल फाउंडेशन, सारे पुरुषार्थ का पहला फाउंडेशन ये है। अब उस फाउंडेशन को जितने ज्ञान में आने के टाइम शुरुआत में जितने ये पक्का कर लिया, क्या कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु और मेरा बाप ज्योतिबिंदु, ये फाउंडेशन डाला जाता है। तो जिसका फाउंडेशन पक्का हो गया वो याद की मंजिल भी ऊंची उठाई, ज्ञान योग धारणा सेवा ये सारी मंजिलें ऊंची ऊंची उठाई जा सकती। कितनी भी ऊंची मंजिल उठाते चले जाओ, फाउंडेशन पक्का है तो प्राप्ति ही प्राप्ति करेगा। लेकिन जिन्होंने शुरुआत में ये पक्की प्रैक्टिस नहीं की, अलविदा बंदा कर दिया, एक तरफ ज्ञान भी सुनते रहे, दूसरी तरफ अपनी दुनिया दौड़ी के धंधे दौड़ी में भी लगे रहे, ये आप अवित्रता धारण कर ली, सात दिन की पवित्रता का फाउंडेशन भी नहीं डाला, तो फिर ऐसों का फाउंडेशन कच्चा हो जाने से उनको अंत तक वो याद पक्की आत्मिक स्थिति मैं आत्मा रूह हूँ ये पक्का नहीं होता, और वो बाप से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। बहुत प्यार से चलो, अपन को आत्मा समझते हुए बहुत प्यार से चलो, परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण वो प्यार ही नहीं है। कौन सा प्यार? कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। अंतर पड़ जाता है, हम आपस में भाई भाई नहीं है, एक के बच्चे नहीं है। क्या ये एकता बच्चा है, वो एकता बच्चा है,
ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, ये भंगी हमारी सभा में आके कैसे बैठ गया? ये तो बहुत गरीब है। ये बुद्धि रूहानी स्टेज में नहीं रहती कि हम सब आत्माएं आपस में भाई बहन, इस जन्म में भला कुछ भी हो, उन जन्मों का देखा है कि कौन क्या था। हम लोग कोई इस जन्म में आंदा है भीख मांगनी पड़ रही है, उन जन्म में क्या था कुछ भी तो हो सकता है। आत्मिक रूप में देखेंगे तो समानता रहेगी, आत्मिक रूप में नहीं देखते हैं, देह के रूप में देखते हैं तो बुद्धि में समानता आती नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण प्यार नहीं आता। बाप आते हैं स्वर्ग की बात का ही स्थापन करें, वो बात का ही कब स्थापन होती है? स्थापन करने वाला क्या है? स्थापन करने वाला है स्वयं स्थिति में सदा रहने वाला, सदा सेव। कभी उसको स्वयं स्थिति भूलती है, कभी ये समझता है मैं हट्टा कट्टा पहलवान हूं, कभी ये समझता है कि मैं विश्व का मालिक हूं, मैं इतना बड़ा बड़ा राजा बनूंगा। नहीं, वो तो राजा बनता ही नहीं, वो उसकी अपनी देह है, वो भी ही नहीं, वो तो सदैव ही क्योंकि बिंदु। तो जो सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग स्थापन करता है। उसे एक ही स्थिति में रहने वाले हैं, पर चिंतन में रहने वाले हैं, वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। तो रूहानी बाप आते हैं, रूहानी बाप स्वयं ही सही स्थिति में सदैव टिकने वाला है तो वो ईश्वर भी स्थापन करते। स्व माने आत्मा, ग कहां गया? आत्म की स्थिति में गया। यहां बैठे बैठे भी अभी तो चलो 30 साल पड़े हुए, 30 साल पड़े हुए हैं ना, लेकिन मान लो यहाँ बैठे बैठे भी कोई स्वयं स्थिति में सदाकाल के लिए टिक जाए तो अपने को कहाँ अनुभव करेगा? स्वर्ग में अनुभव करेगा, नरक की दुनिया के दुख भोगेगा ही नहीं, न दुख लेगा और न कोई को दुख देगा। ऐसी किसी भी बन जाएगी ज्ञान युक्त। तो बाप कहते हैं ज्ञान नहीं होने के कारण प्यार नहीं रहता रूहानी। बाप आते हैं स्वर्ग की बादशाही स्थापन करने, कभी बादशाही थी ना इस धरती पर? किसकी? अरे आज तो सारी दुनिया में हर देश में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, कोई राजा नहीं रहा। अब क्या हो गए? सब प्रजा बन गए। मिनिस्टर की गद्दी पर बैठा है, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठा है, प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठा है, तो भी क्या है? तो भी एक तरह से प्रजा ही है। राजा अपने आधार पर जैसे चलता है निराधार होता है। आज का प्रेसिडेंट निराधार है क्या? है रबर स्टाम्प है। पार्लियामेंट कानून बनाए देती है, पार्लियामेंट में सब प्रजा के लोग बैठे हुए, उस कानून के ऊपर उसको मोहर लगानी पड़ेगी, वो अपनी अकल नहीं चला सकता। तो बाप आकर के स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हैं। जो पक्के पक्के स्वयं स्थिति में रहने वाले होंगे वो तो बादशाही के मालिक बनेंगे। क्या और कोई की मत पर चलने वाले नहीं होंगे कि प्रजावर्ग के लोगों की मत पर चले? हजार दस हजार लोग जो बात कहने लगे तो उसको मानने के लिए बातें हो जाए, बातें होगा क्या?
मानेगा क्या? नहीं। जो बाप का असल सूर्यवंशी बच्चा होगा वो ज्ञान सूर्य बाप की बात पर अटल रहेगा या दुनिया वालों की बात मान करके उससे प्रभावित तो हो जाएगा? बाप की बात मानेगा। तो बाप आए ही हैं स्वर्ग की बात का ही स्थापन करने, ऐसी बात का ही थी ना? कैसी? जिसमें तुम स्थिति वाले प्रजावन के लोग जो थे वो भी अपन को क्या समझते थे? स्वयं स्थिति में थे या नहीं थे? हैं? वो भी स्वयं स्थिति में रहने वाले थे या ये समझते थे कि विश्व की बात आई तो नारायण के हाथ में, हम तो नीचे हैं। प्रजावर्ग का जो नीचे से नीचे है भांति होगा वो भी नारायण से कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? जो भी वसुधा मात्र है उस वसुधा के जो भी प्राणी मात्र हैं वो सब एक से जुड़े हुए हो। जैसे परिवार में हर भांति एक बाप से जुड़ा हुआ हो, बाप की दुकान चल रही हो, बाप का कारखाना चल रहा हो, तो बच्चे क्या कहेंगे? मेरा कारखाना, मेरी दुकान? ये नहीं, मेरी नहीं है, बाप की है। ऐसे कहेंगे क्या? नहीं। तो बाप आते ही स्वर्ग की बात का ही स्थापन करने, ऐसी बात का ही थी ना? भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं कि ऐसी बात आई तो लाखों वर्ष पहले थी, लक्ष्मीनारायण का राज्य सचिव में था आज में, और उसको बहुत दूर कर देते। और तुम्हारी बुद्धि में अब बैठ गया आज से 5000 साल पहले ऐसा लक्ष्मीनारायण का राज्य था जहाँ का स्वयं स्थिति वाले थे, तो सब कुछ भूल रहे हैं। जैसे बहुत दूर कर दिया तो जैसे भूल गए। कभी कभी समाचार आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं तो बाप को भी पता पड़ता है, अरे ये तो काम शिक्षा पर बैठ कर जल मरे। जो काम शिक्षा पर बैठ कर जल मरते हैं उनके ऊपर से 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्यों? वो भी किताब पर जो जल पड़ते हैं उनके ऊपर नहीं चढ़ता है? चढ़ता तो उन पर भी है, लेकिन काम विकार है सब विकारों का मूल। बाप ने डायरेक्शन दिया पवित्र बनो और मुझे याद करो, मूल डायरेक्शन क्या है? यही तो भूल डायरेक्शन। और जो भूल डायरेक्शन है उसकी अवहेलना कर दी, जानबूझ करके शादी करके बैठ गए। यह समझ किसी ने शादी नहीं की, बाप कहते हैं विकार में गया माना शादी। शादी क्या होती है? ढोल मजीरा बजाने को शादी कहा जाता है क्या? नहीं। तो कोई पतित बन पड़ा, बाप कहते हैं ये अवज्ञा का 100 गुना बोझ चढ़ जाता है, वो ऊंट पद नहीं पा सकते क्योंकि बाप की निंदा करवाते हैं। समझते हैं कि बाबा हमको देखता थोड़ा ही है, हम तो जो भी काम किया अकेले में कर लिए। अरे तुमने तो कर लिया अकेले में, लेकिन जिसके साथ जो काम किया उसकी बुद्धि तुम्हारे में अटकेगी या बापों में अटकेगी? तुमने तो संघ का रंग लगा दिया, संघ का रंग किस कलर में चाहिए? एक बाप कलर में चाहिए, और तुमने अपना संघ का रंग लगा दिया। वो तो बाप कहते हैं मुझे एक एक को देखने की क्या पड़ी है, एक एक को बैठ करके देखो कौन क्या करता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, वैसे रास्ता बता दिया।
कि अपन को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो और बाकी सब संबंध सब खला। मैं आत्मा और मेरा बाप, एक बाप दूसरा ना कोई। और अब अगर संबंध जिस समय तोड़ने का टाइम है, बुद्धियों को तोड़ने का टाइम है, उस समय अगर नए नए संबंध जोड़ते रहे तो सगुना बोले डरता चला जाता। अच्छा, बच्चों को नमस्ते।